हेलो, आपको मेरा नमस्कार। और आज के इस वीडियो में मैं आपका वेलकम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। इसमें आज इस वीडियो में आपको अमीर और गरीब लोगों में जो 5 हैबिट्स होती है, जो आदतें होती हैं, वो सीखने को मिलेंगी। जो कि आज की ये वीडियो है, मैंने रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बहुत फेमस बुक लिखी, रिच डैड पुअर डैड। उस बुक में को पढ़कर जो भी बातें मैंने सीखी वो आपको यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ। और इन बातों को समझकर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और इस वीडियो को देखने के बाद पैसों को लेके जो आपका माइंड सेट है वो पूरी तरह से बदलने वाला है। तो इससे पहले आपको रिच डैड पुअर डैड बुक के बारे में बताऊं, जो मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी ने 1997 में पब्लिश की और अभी तक की वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक है। इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने और अपने दोस्त के फादर, उनका जो दोस्त है माइक, उनके फादर दोनों की सीख को बताया है। रॉबर्ट के पिता, जो कि एक नौकरी पेशा व्यक्ति थे, जो जॉब करते थे, जिनको रॉबर्ट ने पुअर डैड, तथा माइक के पिता, जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, उनको रॉबर्ट ने रिच डैड कहकर इस बुक में बताया है। और पूरी बुक इन दोनों, रिच डैड और पुअर डैड के विचारों को लेकर है। वैसे तो इस बुक को अगर हम पूरा पढ़ें तो इसमें 9 लेसन्स हैं, और पूरी बुक पढ़ने के लिए मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा, आप पूरी बुक को जरूर पढ़ें। लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट में कुछ 5 इंपॉर्टेंट लेसन के बारे में बात करूंगा। तो चलिए उन 5 लेसन्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला लेसन तो यह है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि वे लोग पैसे को अपने लिए काम पे लगाते हैं। इसका मतलब यह है कि अमीर लोग क्या करते हैं, वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ताकि पैसा उनके लिए काम करे। वो प्रॉपर्टीज खरीदते हैं ताकि उनका पैसा लगातार बढ़ता रहे। जबकि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग क्या करते हैं, अपने पैसे को बैंक में सेव करते हैं और जिंदगी भर अकेले काम करते रहते हैं, और फिर भी ये सोचते हैं कि पैसा बढ़ क्यों नहीं रहा आखिर। जबकि जो अमीर लोग होते हैं वो टीम के साथ में काम करते हैं, वो पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे को कहीं ना कहीं पे लगाते हैं, वो पैसे को सेव नहीं करते, पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उनका पैसा और ज्यादा बढ़ता है, और इसलिए वो लोग अमीर से अमीर बनते जाते हैं। दूसरी जो लेसन है वो ये है कि आप उसे बदल दें जिसे आप बदल सकते हैं। यानी पुअर माइंडसेट सोचता है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरी जॉब से मुझे प्रॉब्लम है, मेरा बॉस मेरी प्रॉब्लम है, ये गवर्नमेंट मेरी प्रॉब्लम है, वो मेरी प्रॉब्लम है, और वो लोग हमेशा दूसरों को बदलने की सोचते हैं, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। हम किसी दूसरे को चेंज नहीं कर सकते। जबकि रिच माइंडसेट कहता है कि आप खुद को बदलने पर फोकस करें, अगर आप खुद चेंज होंगे तो पूरी दुनिया आपके लिए चेंज हो जाएगी। रिच माइंडसेट यह सोचता है कि जीवन में बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, और अगर हमें परिस्थितियों को बदलना है तो सबसे पहले खुद को बदलना सीखना पड़ेगा। यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी बात रॉबर्ट कियोसाकी ने बताई कि 21st सेंचुरी में निरक्षर वे लोग नहीं होंगे जो पढ़ लिख नहीं सकते, बल्कि वे लोग होंगे जो सीख नहीं सकते, सीखे हुए को भुला नहीं सकते और कुछ नया नहीं सीख सकते हैं। तीसरा और इम्पोर्टेंट लेसन उन्होंने बताया कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, इम्पोर्टेंट तो यह है कि आप कितना पैसा अपने पास में सेव रखते हैं, उस पैसे को कितना बढ़ाते हैं, उसको कितना और ज्यादा इन्वेस्ट करके और ज्यादा उस पैसे को बढ़ाते हैं। यहाँ पे ऑथर ने कुछ ऐसे अमीर लोगों के बारे में बताया जो पहले बहुत ज्यादा अमीर हुआ करते थे, करोड़ों के मालिक थे, पूरा शान शौकत उनके पास में था, लेकिन उनका जो एंड हुआ बहुत ही दुखद था। इसलिए लेखक बताते हैं कि वित्तीय बुद्धि के बिना हमारे पास जो पैसा हमने कमाया होता है वो बहुत जल्दी चले भी जाते हैं। तो अमीर बनने के लिए सबसे पहले हमें वित्तीय दृष्टि से, यानी फाइनेंशियल हमें दृष्टि से साक्षर होने की जरूरत है, फाइनेंस को सीखने की जरूरत है। चौथा लेसन यहाँ पे बताया कि अमीर लोग क्या करते हैं, संपत्तियां इकट्ठी करते हैं, और गरीब और मध्यम वर्ग के लोग क्या करते हैं, दायित्व इकट्ठा करते हैं और उन्हें अपनी संपत्ति समझते हैं। संपत्ति का मतलब होता है कि जो चीजें हमारी जेब में पैसा डाल रही है, हमने कहीं पे इन्वेस्ट किया, कोई प्रॉपर्टी खरीदा, 2 4 5 साल के बाद उसका रेट बढ़ा तो उसने हमारी जेब में पैसा डाला, तो हमारी क्या है, प्रॉपर्टीज है। तो दायित्व क्या है, हमारी जेब से पैसा बाहर निकालता है। जैसे हमने कुछ गाड़ी खरीद ली, अपने शौक के लिए महंगी गाड़ी खरीद ली, उसका EMI जा रहा है, उसका सर्विसिंग कॉस्ट जा रहा है, उसमें पेट्रोल भरा रहे, तो हमारे पैसे जेब से पैसा बाहर निकाल रहे, इसलिए वो क्या है, दायित्व है। तो यहाँ पे एक आसान से एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहूंगा कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बड़ी सी कार खरीदी 10 15 20 लाख रुपए की, और आपने उसको अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको पर्सनल यूज के लिए खरीदी वो कार। अब ज्यादातर लोग मानते हैं कि वो उनकी प्रॉपर्टी हो, उनकी संपत्ति हो कार, जबकि लेखक बताते हैं इस बुक में कि वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है वो कार, वो आपका एक दायित्व है, क्योंकि आपने वो कार खरीदी तो आपके जेब से क्या पैसा निकाल रहे। अगर आपने EMI पे खरीदी तो महीने का उसका EMI जा रहा है, उसका लोन आपका जा रहा है, उसके बाद उसकी सर्विसिंग कॉस्ट जा रही है,
उसमें पेट्रोल का खर्चा यानी बहुत सी सारी चीजें जा रही है, तो आपका क्या है वो दायित्व है। और लेकिन अगर आप उस कार को पैसेंजर के लिए यूज करते हैं, किराए पर्पज से यूज करते हैं, तो अब वो आपकी क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि वो कार आपको पैसा कमा के दे रही है। तो लेखक का मतलब यह नहीं है कि हमें गाड़ी नहीं खरीदनी, घर नहीं बनाना, ये हमारे दायित्व है। वो कहते हैं कि जब आपके पास जो आपका पैसा है वो बढ़ने लग जाए, कहीं और आपने इन्वेस्ट किया, आपका पैसा बढ़ गया, तो जो पैसे पैसे कमा रहे हैं उससे आप अपनी अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। लेकिन कभी भी पहले जो कैश फ्लो आ रहा है उसी से इन्वेस्ट, उसी से अपने ड्रीम्स या अपने जो पर्सनल यूज की चीजें उससे नहीं लेनी है। आपके पास पहले 2-3 कैश फ्लो होने चाहिए जहां से आपके पास पैसा आ रहा है, फिर उस कैश फ्लो को यूज करके आप अपने शौक को, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद आप दायित्व खरीद सकते हैं जब आपके पास 4-5 जगहों से पैसा आ रहा है। पांचवी और अंतिम जो लेसन है वो है कि अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। लेखक बताते हैं कि पैसे की तंगी का प्राय सबसे स्पष्ट कारण यह होता है कि लोग जिंदगी भर किसी और के लिए काम करते हैं। वो अपने 8, 10, 12, 15 घंटे किसी और को बेचते हैं, अपने टाइम को बेचते हैं और सोचते हैं कि अमीर क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि टाइम को बेच के हम कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। टाइम तो हमारे पास 24 घंटे है, लेकिन अगर खुद के काम पे ध्यान फोकस करेंगे, खुद के काम पर ध्यान लगाएंगे, तो जरूर वहां से अमीर बन सकते हैं। तो लेखक यह बताते हैं कि अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दो। कोई ना कोई ऐसी चीज ढूंढो जिसमें आपको रियली में मजा आए, जो आपका शौक हो, और उस पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दें। अपनी जॉब्स भी करते रहें, जो आप नौकरी कर रहे उसको करते रहें, लेकिन दायित्व नहीं, आप असली संपत्तियां खरीदना शुरू कर दें। अपनी जॉब से जो पैसा आ रहा उससे प्रॉपर्टीज खरीदना स्टार्ट कर दें, उससे अपने लिए संपत्ति खरीदें। दायित्व मत खरीदें अपनी जॉब से, नहीं तो आप उस जॉब में फंसे रहेंगे जिसको ऑथर ने रेड रेस बताया कि आदमी जॉब करता है और एक रेड रेस में फंसा रहता है। तो जॉब भी करनी है, जॉब बुरी बात नहीं है, जॉब से अपनी जरूरतें पूरी करनी है, और जो उसके अलावा समय मिलता है उसको खुद के काम पे ध्यान लगाने में हमने उस टाइम को इन्वेस्ट करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेसन थे जो मैंने इस बुक में पढ़े और आपके सामने भी यहाँ पे शेयर किए। और अंत में लेखक ने यही बताया कि हमें किसी भी काम को करने के लिए शुरुआत करनी पड़ेगी। आज थोड़ा सा भी स्टार्ट करें, लेकिन स्टार्ट जरूर करनी पड़ेगी। किसी को मैंने सुना, उन्होंने कहा कि अगर आप घर बनाना चाहते हो तो आप 2-4 ईंटें अपने उस प्लॉट पे रख दो, तो स्टार्ट करेंगे आप तो धीरे धीरे आपको आएगा यार इतनी ईंटें रख दी तो और काम मुझे बढ़ाना चाहिए। तो कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं तो पहले छोटी सी शुरुआत करें, एक स्टेप जरूर बढ़ाएं। हर जगह सोना बिखरा पड़ा है, तो ज्यादातर लोगों के पास इसको देखने के लिए वो ट्रेन नहीं है। लेखक यह भी बताते हैं, तो रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा माइंडसेट है। हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली है कि हम अपने दिमाग में जो भी चीजें भरेंगे हम वैसी बन जाएंगे। तो अगर हम सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, रिच बनना चाहते हैं, तो अपने दिमाग में लगातार वैसी इंफॉर्मेशन को हमें भरना पड़ेगा। अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए सबसे पहले उसे देना पड़ेगा, जो भी हम पाना चाहते हैं पहले उसको देना पड़ेगा। और सीखने के लिए काम करना हमेशा स्टार्टिंग में, पैसे के लिए काम ना करें। जब भी हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी जॉब के अलावा कुछ हटके करना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग में ये ना सोचे कि यहाँ से मुझे पैसा आएगा। स्टार्टिंग में सोचना है कि हम यहाँ से कितना सीख सकते हैं, और पैसा तो फिर अपने आप हमारे पास आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और इस तरह की और वीडियोज देखने के लिए भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, आपने यहां तक आए, इस वीडियो को देखा। जय हिंद।